अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एमरजेंसी 15 सेंटर में, जहां पे पंजाब के 36 अज़ला की कॉल लैंड करती है। और आज मुहर्रमुल हराम अशूरा के मौके पर यहां पे कैसे काम किया जा रहा है, किस तरह से कॉल्स को डील किया जाता है, इसी बारे हम बात करेंगे डीएसपी सेफ सिटी आगा नासिर साहब से। सर, ये बताएँ कि अशूरा के मौके पर या इस तरह के सेंसिटिव जिस ओकेजन आते हैं, यहाँ पुकार एमरजेंसी हेल्पलाइन पर किस तरह से कॉल टेकिंग को डील किया जाता है, ये सर काइंडली नाज़रीन को बताएँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारा तमाम का तमाम स्टाफ जो है उनकी छुट्टियाँ बंद हैं और वो हमा वक्त इन सर्विसेज को फराहम करने के लिए कोशा हैं। इसके साथ यहाँ पर 36 अज़ला से जब भी कोई एमरजेंसी कॉल आती है तो उसमें इन अयाम में मजहबी नौयत की कॉलों को प्रायोरिटी पर लिया जाता है, और जैसे ही कोई कॉल यहाँ मौसूल होती है तो उसे मुतलका DPO तक पहुँचाया जाता है, ताकि बिला तत्तुल और बिला ताखीर उसमें फौरी तौर पर फील्ड यूनिट जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर सकें। अच्छा सर, काइंडली ये बताएं कि संगीन नोयत की कॉल, जिस तरह सर अशूरा चल रहा है, इस हवाले से कुछ संगीन नोयत की कॉल आ जाए तो सर उसको कैसे डील किया जाता है? जी, उसे फौरी तौर पर मुतलका RPOs और DPOs को उसकी इतला दी जाती है, ताकि फौरी तौर पर उस पर नफरियाँ जो हैं वो इर्द गिर्द से भिजवाई जा सकें और उस सूरत हाल को काबू में किया जा सके, और उसके उसमें इवैक्यूएशन और ज़ख्मियों को भी इमदाद फराहम की जा सके। सर, अक्सर देखा गया है कि अशूरा के मौके पे या इस तरह के सेंसिटिव ओकेजंस पर मोबाइल नेटवर्किंग सर्विस बंद कर दी जाती है, तो सर उस सूरत हाल में शहरी किस तरह से एमरजेंसी हेल्पलाइन डायल करें और अगर उन्हें कोई भी मसला है तो वो मसला बता सकें? जी दोबार, बहुत अच्छा सवाल है ये। जब सेल नेटवर्किंग बंद हो तो अपने घर के वाईफाई से कोई भी शहरी जो है किसी भी एमरजेंसी की इतला जो है वो वुमेन सेफ्टी ऐप और पुलिस एमरजेंसी ऐप के ज़रिए दे सकता है। सर, उसके साथ साथ लाहौर शहर में सर पैनिक बटन भी नसब किए गए हैं, सर उस हवाले से ज़रा शहरियों को बता दें। जी हाँ, जब नेटवर्क ना काम कर रहा हो तो लाहौर शहर में 154 मुकामात पर जो पैनिक बटन लगाए गए हैं, उस पैनिक बटन के ज़रिए भी 15 पर इतला दी जा सकती है। सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपको DSP सेफ सिटी आगा नासिर ने बताया कि अगर आपकी मोबाइल नेटवर्किंग बंद है, जो कि अशूरा के मौके पे इस तरह के सेंसिटिव ओकेजंस पे अक्सर सरकार की तरफ से बंद कर दी जाती है, तो आपने करना क्या है, आपने अपने घर के वाईफाई से वुमेन सेफ्टी ऐप या पंजाब पुलिस ऐप से कनेक्ट करके 15 से आप मदद तलब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लाहौर शहर के अंदर 154 मकामात पर पैनिक बटन लगे हुए हैं, अगर आपकी मोबाइल नेटवर्किंग सर्विस नहीं आ रही तो आप पैनिक बटन के जरिए भी एमरजेंसी 15 हेल्पलाइन पर रابطہ कर सकते हैं। सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ।